हाय गाइस, वेलकम इन आर्ट हब। जब हम एक्रेलिक पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कलर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कौन सा कलर यूज़ करें, एक्रेलिक पेंट की कौन सी फॉर्म यूज़ करें। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाइड करूँगी जिससे कि आप एक्रेलिक पेंट बाय कर सकें। मार्केट में एक्रेलिक पेंट की डिफरेंट फॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे एक्रेलिक इंक, एक्रेलिक मार्कर, एक्रेलिक स्प्रे, एक्रेलिक लिक्विड और एक्रेलिक ट्यूब। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक्रेलिक ट्यूब के बारे में बता रही हूँ। जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक ट्यूब है। एक्रेलिक ट्यूब जो होता है वो थिक पेस्ट की तरह होता है। देखिए, जो ये पेस्ट है ये थिक है और इसको मैं सिंथेटिक ब्रश का यूज़ करते हुए स्मूथ इफेक्ट दे सकती हूँ। अगर हम लोग चाहते हैं इससे वाटर कलर इफेक्ट देना तो इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके या अपने अकॉर्डिंग वाटर मिक्स करके ज़्यादा कम अलग अलग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर मिलाया, अब आप देखिए यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पतला हो गया है, अब ट्रांसपेरेंट भी हो गया है और ये पतला हो करके वाटर कलर इफ़ेक्ट देने के लिए रेडी है। अगर हम चाहते हैं इससे टेक्चर देना तो टेक्चर देने के लिए डायरेक्टली हम ट्यूब को ट्यूब से इस पेंट को यूज़ कर सकते हैं। टेक्चर देने के लिए नाइफ का यूज़ करके या फिर ब्रश से भी हम टेक्चर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीन ब्रांड्स यूज़ करे हैं। बेसिकली जो कलर होता है, एक्रेलिक पेंट होता है, वो पिगमेंट और बाइंडर के कॉम्बिनेशन से बनता है। डिफरेंट ब्रांड में बाइंडर और पिगमेंट का रेशियो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और प्राइस डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं तीन ब्रांड ट्राई कर रही हूँ। आप एक्रेलिक कलर को पूरा सेट भी खरीद सकते हैं और एक्रेलिक कलर को लूज़ भी खरीद सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं ये मैंने लूज़ खरीदे हैं। जो कलर मेरे पास नहीं होता है मैं उसको लूज़ ले लेती हूँ, और अगर आप चाहें तो पूरा सेट भी ले सकते हैं। हम कुछ बेसिक कलर्स को मिला करके नए कलर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग में कलर मिक्सिंग का आइडिया नहीं है तो हम लोग मुझे लगता है हमें 12 शेड्स का एक पूरा सेट खरीद लेना चाहिए, वो बेटर रहता है। मैं आगे कुछ वीडियोस में कलर मिक्सिंग का आइडिया आपको दूंगी। 4 या 5 कलर्स को मिक्स करके हम काफ़ी रेंज बना लेते हैं, जो कि हमारी पेंटिंग बनाने के लिए सफिशिएंट होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कैमल का एक 12 शेड्स का सेट आता है, वो काफ़ी अच्छा है, जो 450 से 500 रुपीज़ अप्रोक्स पड़ता है कॉस्ट। और इसमें 20 ml की 12 शेड होते हैं। इससे हम लोग अप्रॉक्स 10x10 इंच के कैनवस में 2 या 3 पेंटिंग्स बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप नेक्स्ट आगे कुछ वीडियोस में मैं कलर मिक्सिंग के बारे में भी बताऊंगी, तो आपको ये एक्रेलिक पेंटिंग के बारे में और भी डेप्थ में जानना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ओके बाय।